नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। रवि किशन लोकसभा में एक बयान देते हैं। दरअसल वो सवाल करते हैं कि जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट का जाल बढ़ता जा रहा है और रिया के मामले में जिस तरीके से निकलकर चीजें सामने आ रही है, उससे बॉलीवुड में फैले इस ड्रग्स के कारोबार पर जरूर शिकंजा कसना चाहिए। इसके बाद राज्यसभा में जया बच्चन की तरफ से एक बयान आता है और वो ये कहती हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करें। अब पलटवार फिर से रवि किशन ने कहा और रवि किशन ने ये कहा है कि उनका स्वच्छता अभियान फिलहाल जारी रहेगा और जिस थाली में जहर हो उस थाली में वो छेद कर दे। ये बड़ा हमला है क्योंकि जया बच्चन के सपोर्ट में कई सारे अभिनेता भी हैं और सामना ने तो संपादकीय में पूरा एक लेख ही लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है जया बच्चन के राज्यसभा में दिए बयान का। सामना ने जो लिखा है वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जया बच्चन में ही इतनी ताकत है कि वो मुस्तैदी से अपनी बातों पर अड़े। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जया बच्चन वर्सेज रवि किशन, ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात अब बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर आकर सिमट गई है और इस पर लोकसभा और राज्यसभा में एक और जहां इस मुद्दे को उठाया गया तो अब लगातार बयानबाजी भी जारी है। रवि किशन ने जो पहले लोकसभा में कहा और उसके जवाब में जया बच्चन ने जो राज्यसभा में कहा, ये दोनों बयान हम आपको सुनाते हैं। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते, और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 लाख पीपल एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 5 मिलियन पीपल at a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate and I hope the government tells these people who have made their earning name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say but you are not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. अब देखना ये है कि जया बच्चन जो बातें कह रही थी, क्या वो फिर से अब रवि किशन के बातों पर जवाब देंगी या कोई दूसरा अभिनेता रवि किशन को जवाब देने के लिए सामने आएगा, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं जया बच्चन अगर अपनी बातें कहती हैं तो वो लगातार उस पर डटी रहती हैं और बार बार अपने स्टैंड को क्लियर भी करती हैं। अब देखना होगा कि रवि किशन जिस तरीके से जया बच्चन को जवाब दे रहे हैं कि क्या इस मामले में बीजेपी की तरफ से भी अब कुछ कहा जाएगा या दूसरी पार्टियां भी रवि किशन के सपोर्ट में आकर बातें कहें।